इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान पीटीआई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 2022-23 राजस्थान एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ की चर्चा करूंगा। इस वीडियो में आपको 2023 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथ में, और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको डेली इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम से पहले सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करता हूँ पार्ट फोर्थ की, जिसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में। क्वेश्चन आपका था कि अगस्त 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मधुकर गुप्ता, उषा शर्मा, प्रद्युमन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया, और वर्तमान में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ही है। तो एग्जाम में वर्तमान का भी पूछे तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट कितना प्रावधान है? ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था, तो उन दोनों की बात चल रही है। तो आपके पास ऑप्शन थे 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ या 100 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए जो बजट है वो है आपके 800 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है? आप देख सकते हो सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है छात्रवृत्ति से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या स्कूटी वितरण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना आपके स्कूटी वितरण योजना से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है छात्रवृत्ति से, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग से, शिक्षा से या स्कूटी वितरण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है ये आपके जयपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी थी? देखो फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ियों की संख्या लगभग थी 30 लाख। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति खोली गई है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति खोली गई है बीकानेर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली के तारों की भूमिगत लाइनें बिछाई गई हैं? आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। तो वो ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली के तारों की भूमिगत लाइनें बिछाई गई है वो आपके भीलवाड़ा जिले की मंडल ग्राम पंचायत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली थी? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन इन्होंने जून 2022 का पूछा था, तो उन दोनों का भी आंसर आपको बता दिया जाता है, और वर्तमान में कौन है उसका भी आंसर आपको बता दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन थे इंद्रजीत मोहंती, पंकज मित्तल, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, एस एस सिंधे। तो एग्जाम में पूछा गया था जून 2022, तो आपका आंसर था एस एस सिंधे। राइट आंसर डी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो एग्जाम में वर्तमान का पूछा जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन के 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था। आपके पास ऑप्शन है पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन पाली जिले में किया गया। पाली में कहाँ? रोहट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह 50 ऑब्जेक्टिव राजस्थान करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेलों के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 25 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेलों के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया था? 9, 7, 2 या 11। तो राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रथम कृषि बजट को 11 मिशन में बांटा गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? आपके पास ऑप्शन है तूफान तूफानी, मिराई तोवा, शेरू या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर आपका था शेरू। राइट आंसर सी। आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना राजस्थान के जोधपुर जिले में की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? 15,000, 30,000, 25,000 या 20,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2022 का पूछे तो आपका राइट आंसर 15,000 हो जाएगा, और अगर पूछा जाए बजट 2023 में तो इसकी संख्या दुगुनी हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई है 30,000। तो ध्यान रखें क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप में पूछा जाता है, अगर 2022 का पूछे तो आप 15,000 राइट आंसर करोगे, और बजट 2023 में पूछे तो आपका आंसर 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह डेली 50 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगस्त 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? लक्ष्मण व्यास को, विवान कपूर को, राहुल वर्मा को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर लक्ष्मण व्यास को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या राइफल शूटिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवान कपूर का संबंध है राइफल शूटिंग खेल से। राइट आंसर हो जाएगा डी। ये चौथा पार्ट है, अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। सभी पार्ट में आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मण व्यास, मिठेश नरवोई, राहुल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मिठेश निर्मोई को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी पूछा गया था, और आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना आपके जोधपुर शहर में की गई थी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन पीटी उषा, अवनी लेखरा, मिताली राज या पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अवनी लेखरा को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया है? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है अप्रैल 2022, मई 2022, अप्रैल 2021 या दिसंबर 2020। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन आपके अप्रैल 2022 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है रूमा देवी, अवनी लेखरा, मिताली राज या पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार कहाँ बनने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन आपके पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है, जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार बनाने की घोषणा बाड़मेर शहर में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? आपके पास ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 81%। तो 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खाद्य उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष कितने प्रतिशत पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी? 15%, 50%, 75%, 81%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष आपके 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करने से आपके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत आगामी वर्ष में कितने घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे? 27,50,000, 47,50,000, 20,40,000, 40,20,000। तो 47,50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जल जीवन मिशन के तहत आगामी वर्ष में 47,50,000 घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ का फंड दिए जाने की घोषणा की गई है? 250 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ या 225 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड दिए जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि बजट 2023-24 के तहत कितने किसानों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की गई है? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 10 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि बजट 2023-24 के तहत टोटल 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है 75 करोड़, 120 करोड़, 7,500 करोड़ या 1,000 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर आपकी कर दी गई है 7,500 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में ऑर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो राजस्थान के 2 जिलों में ऑर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे, एक आपका जोधपुर और दूसरा जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को कितने रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये या 750 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर 50 डेली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार CM अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 युवाओं को बढ़ाकर कितने स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जाएगा? 20,000, 25,000, 30,000 या 35,000। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, CM अनुप्रति कोचिंग योजना में बजट 2023-24 में इसकी संख्या 15,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 30,000। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपये से विकास होगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या उपयोग सभी। तो बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के इन तीनों जिलों में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपये से विकास होगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो राजस्थान के जयपुर जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा? 200, 300, 100 या 500। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में टोटल 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एंड रिसर्च के लिए राजस्थान के किस जिले में APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाने की घोषणा की गई है? जोधपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या बाड़मेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर जिले में APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत बीमा में 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 12 लाख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत बीमा में 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सेंटर एक्सीलेंस पंचकर्मा खोलने की घोषणा की गई है? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो जयपुर जिले के चाकसू में सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा खोलने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किन 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या जालौर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा? जोधपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 1, 2, 3 या 4? तो राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, मूलचंद, लक्ष्मण सिंह या उपयोग छवि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग छवि। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यही 4 हस्तियां हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को हुसैन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। जब नाम लिया जाए हुसैन बंधु तो समझ लीजिएगा बात हो रही है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की। इनके अलावा मूलचंद और लक्ष्मण सिंह, तो ये हो गए टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन बंधु यानी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वह राजस्थान के किस जिले से हैं? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो आपके हुसैन बंधु ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले से हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा में किन 2 राजस्थान हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद, लक्ष्मण सिंह, उपयोग छवि? तो समाज सेवा में आपके 2 राजस्थान की हस्तियाँ मूलचंद और लक्ष्मण सिंह को, यानी कि राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, को आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मूलचंद जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो राजस्थान के किस जिले से हैं? डूंगरपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूलचंद जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सिंह जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो राजस्थान के किस जिले से हैं? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो लक्ष्मण सिंह आपके जयपुर जिले के हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हुसैन बंधुओं ने लोक गायन में अपना सफर शुरू किया था? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1956, 1958, 1994 या 1990? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुसैन बंधुओं ने 1958 से लोक गायन में अपना सफर शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन बंधुओं को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से कब नवाजा जा चुका है? 1956, 2000, 1994 या 1990? तो 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है हुसैन बंधुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 100, 92, 106 या 118? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर सी, 106 पद्म पुरस्कार में से कितनों को पद्म विभूषण दिया जाएगा? तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा और पीछे बचे 91 को दिया जाएगा पद्म श्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या जयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जाता है।
राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज आपके पार्ट फोर करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। डेली पार्ट इसी तरह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।